हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डीएमई यानी कि डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट सब्जेक्ट के बारे में, जो कि सेवन सेम मैकेनिकल का सब्जेक्ट है। तो सबसे पहला है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर वन डिज़ाइन कंसिडरेशन से। ठीक है, तो डिज़ाइन कंसिडरेशन, तो अगर आपने FMD पढ़ा हो, फंडामेंटल ऑफ मशीन डिज़ाइन, फोर्थ सेम का सब्जेक्ट है, तो लगता है आपको जो अभी की जो बैच है सेवन सेम की, उनका फोर्थ सेम में ये मास प्रमोशन में निकल गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर आपने वो पढ़ा हो तो उसमें ये सब थियोरी आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला है जनरल प्रोसीजर ऑफ मशीन डिज़ाइन, यानी कि नीड से लेके प्रोडक्ट तक बीच में जो भी प्रोसीजर होती है। ठीक है, ये प्रोडक्ट सॉरी ओके तो नीड से लेके प्रोडक्ट का जो भी बीच में जो प्रोसीजर होती है उसकी, तो उसको हम बोलते हैं जनरल प्रोसीजर फॉर द डिज़ाइन। सेकंड जो है, स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स इन डिज़ाइन, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में है ये थियरी। थर्ड जो है, प्रिफर्ड सीरीज। ओके, तो इसका एग्जांपल भी 3 मार्क्स में आ सकता है। प्रिफर्ड सीरीज यानी कि अगर कोई चीज़ आपको समझो कि आपको शाफ्ट लेने जाना है, तो शाफ्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के बीच में, अगर हम चलो बोलते हैं कि ये दोनों के बीच में हमें लेना है, तो उसके लिए कौन कौन सी सीरीज होनी चाहिए, कौन कौन से स्टेप होने चाहिए, तो वो हमें प्रीफर्ड सीरीज से पता चलेगा। उसके बाद है एस्थेटिक, अर्गोनॉमिक, मैन्युफैक्चरिंग, कास्टिंग, फोर्जिंग, वेल्डिंग एंड असेंबली। तो ये जो सब प्रोसेसेस हैं, जैसे कि वेल्डिंग प्रोसेस, असेंबली है, कास्टिंग है, मैन्युफैक्चरिंग, तो उसको जब आप कोई प्रोडक्ट के लिए ये यूज़ करोगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, तो आपको क्या क्या डिज़ाइन कंसिडरेशन ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उसकी ये थियरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो आती ही एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ है वो है लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस। ठीक है, ये MMM सब्जेक्ट में भी आ गया है, FMD में भी आ गया है। ठीक है, होल बेसिस एंड सॉफ्ट बेसिस सिस्टम। तो फर्स्ट चैप्टर में इतना था। सेकंड चैप्टर जो है छोटा सा है, वो है डिज़ाइन ऑफ कपलिंग्स। तो कपलिंग कहाँ पे यूज़ होता है, तो दो शाफ्ट जो होते हैं उसको हमें क्या करना है, जॉइंट करना है। अगर दो शाफ्ट को जॉइंट करना है तो हम यहाँ पे कपलिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह से कपलिंग आती है, तो हम कपलिंग यूज़ करके दो शाफ्ट को जॉइंट कर सकते हैं। तो उसमें दो टाइप की कपलिंग होती है, एक तो है रिजिड और दूसरी है फ्लेक्सिबल कपलिंग। ठीक है, रिजिड एंड सेकेंड इज़ फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ कपलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रिजिड कपलिंग जो है उसमें मफ या तो स्लीव कपलिंग हम बोलेंगे, वो उसकी थियरी आएगी, उसकी डिज़ाइन आएगी। देन डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग, तो ये डिज़ाइन प्रोसीजर होती है, फ्लेंज कपलिंग, मफ कपलिंग। ठीक है, तो ये अगर आपको ये डिज़ाइन आ गई तो एग्जांपल तो आपको आराम से आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, दूसरी जो मेन बात मुझे सबसे पहले बोलनी चाहिए वो था डिज़ाइन डेटा बुक। ठीक है, तो डिज़ाइन डेटा बुक जो है वो आपको साथ में लेके बैठना है, डिज़ाइन डेटा बुक। ठीक है, तो डिज़ाइन डेटा बुक अगर आपके पास है तो ये आपको बहुत बहुत हेल्प हो जाएगी। बहुत सारे इक्वेशंस उसमें दिए हुए हैं, यानी कि आपको याद करने के लिए कुछ ही इक्वेशन होंगे। ठीक है, जैसे कि कोई प्रोसीजर होती है, जैसे डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग इसकी प्रोसीजर है, तो इक्वेशन आपको दिए रहेंगे, सिर्फ आपको प्रोसीजर क्या है वो याद रखनी है। ठीक है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है डिज़ाइन डेटा बुक। जनरली बच्चे क्या करते हैं, इसको लास्ट में परचेज करते हैं डिज़ाइन डेटा बुक को, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप सबसे पहले डिज़ाइन डेटा बुक को परचेज करिए, और जब भी आप DME सब्जेक्ट लेके बैठें तो डिज़ाइन डेटा बुक में देखिए कि क्या दिया है क्या नहीं दिया। ठीक है, और उसके हिसाब से आप चलें। तो डिज़ाइन डेटा बुक में एक तो आती है VB भंडारी की, ठीक है, तो VB भंडारी, एंड दूसरी जो है वो PSG। ठीक है, PSG के जो डिज़ाइन डेटा बुक है वो अलाउ है, VB भंडारी की भी अलाउ करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर थर्ड जो है वो है डिज़ाइन ऑफ स्प्रिंग। चलो अब आगे जाते हैं चैप्टर थर्ड में, तो आपको डिज़ाइन डेटा बुक लेके ही बैठना है। चलो, तो डिज़ाइन ऑफ स्प्रिंग में सबसे पहला है टाइप्स ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ पे दो स्प्रिंग होती है, एक तो है हेलिकल और दूसरी है लिप स्प्रिंग करके। ठीक है, तो हेलिकल एंड लिप स्प्रिंग के बारे में मोस्टली हमें यहाँ पे देखना है। तो सेकंड जो है टर्मिनोलॉजी ऑफ हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग। थर्ड जो है वो है स्ट्रेसेस इन हेलिकल स्प्रिंग। फोर्थ जो है डिज़ाइन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग, ये पूरी डिज़ाइन आपको यहाँ पे प्रोसीजर करनी है और उसके रिलेटेड एग्जांपल्स आते हैं। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे हेलिकल स्प्रिंग के बारे में है, और लिप स्प्रिंग में भी डिज़ाइन आती है, लेकिन आपको वो नहीं करनी, तो यहाँ पे उसकी एक थियरी है नेपिंग, वो आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो ये हुआ चैप्टर थ्री। चैप्टर फोर्थ जो है प्रेशर वेसल। ठीक है, तो प्रेशर वेसल जो है चैप्टर, उसमें बेसिकली प्रेशर वेसल है क्या,
तो कोई भी लिक्विड या गैस हम बोल सकते हैं, तो उसको अगर कोई कंटेनर में हम स्टोर करके रखते हैं हाई प्रेशर में, ठीक है, तो वो हम उसे बोलेंगे प्रेशर वेसल, ठीक है। अब वो जब ये हाई प्रेशर से हम स्टोर करते हैं तो उसमें उसकी जो थिकनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये वेसल की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से यहाँ पे थिन एंड थिक सिलेंडर ये दोनों में ये डिवाइड किया है, ठीक है। कुछ थिकनेस से अंदर है देन इट्स थिन सिलेंडर, एंड कुछ थिकनेस से ज़्यादा है देन इट इज़ थिक सिलेंडर। तो यहाँ पे उसके अंदर स्ट्रेसेस कौन कौन से हैं थिन सिलेंडर के अंदर, वो उसकी भी थियरी एग्जाम में आती है। सेकंड जो है, थिक सिलेंडर सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर, एक्चुअली एक्सटर्नल प्रेशर भी आता है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता, इसीलिए इंटरनल प्रेशर की थियरी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो थिक सिलेंडर सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर, अब ये बेसिक थियरी है, और उसके ऊपर से ये थियरी के ऊपर से यहाँ पे तीन और थियरी है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो ये तीन थियरी जो है वो उसके बहुत सारे इक्वेशंस है फ्रेंड्स, याद रखने बहुत मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन डिज़ाइन डेटा बुक आपके पास होगी तो आपको वो बहुत बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ डिज़ाइन डेटा बुक के बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल फ्रॉम अबो थियरीज, यानी कि जो ऊपर की थियरी थी उसके एग्जाम्पल्स भी एग्जाम में आते हैं। उसके बाद फोर्थ है, व्हाट इज़ द प्री स्ट्रेसिंग, यानी कि जब भी आप जो प्रेशर वेसल है उसको यूज़ करना होता है, उससे पहले उसमें प्री स्ट्रेसिंग, पहले से एक स्ट्रेस उसमें दिया जाता है जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, ठीक है। तो ये व्हाट इज़ प्री स्ट्रेसिंग एंड मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, तो ये एग्जाम में आता है तीन तीन चार चार मार्क्स में, ठीक है। उसके बाद चैप्टर फाइव है, वो है रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग, बेसिकली जो नाम है बेरिंग, लेकिन उसमें दो है, एक तो है रोलिंग कॉन्टैक्ट, दूसरा है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहली थियरी यही है कि कंपैरिजन बिटवीन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट एंड रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग, तो इसकी कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड जो है, टाइप्स ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग के कितने टाइप्स हैं उसकी थियरी है। थर्ड है बेसिक स्टेटिक एंड डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो ये जो है सी है, सीओ हो गया, ठीक है। तो ये क्या है कि जब भी आप लाइफ ऑफ बेरिंग के एग्जांपल्स करोगे, ठीक है, या तो इसकी जो प्रोसीजर होगी, जो मैन्युफैक्चर कैटलॉग्स जो आपको दिया जाएगा, तो उसमें ये सब आपको डायरेक्टली लेना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। फोर्थ जो है लोड लाइफ रिलेशनशिप, उसके बारे में है। फिफ्थ जो है सिलेक्शन ऑफ बेरिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स कैटलॉग, तो एक यहाँ पे टेबल रहता है जिसमें बहुत सारा डेटा बेरिंग के बारे में दिया रहता है, तो उसमें से आपको पिक करना है, ठीक है। देन एग्जांपल रिलेटेड लाइफ ऑफ बेरिंग, तो ये एग्जांपल भी इसके पूछे जाते हैं। सेकंड जो है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग, अब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग में कम थियरी पूछी जाती है, एक तो है टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग, दूसरा है हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन एंड बेरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर, एंड तीसरा जो है वो है डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिंग मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ गियर ड्राइव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डिज़ाइन ऑफ गियर ड्राइव्स, ठीक है। तो उसमें बेसिकली चार गियर्स, पर हेलिकल बेवल एंड वॉर्म गियर, तो ये चार गियर आपको इसमें करना है। तो स्पर गियर जो है उसमें क्लासिफिकेशन आएगा, ये बहुत बेसिक है, क्लासिफिकेशन टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन यानी कि कितने टाइप्स के गियर है, ठीक है, उसके एक्सिस के हिसाब से, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको करना है क्लासिफिकेशन ऑफ गियर। उसके बाद है टर्मिनोलॉजी ऑफ स्पर गियर, जैसे कि एडेंडम, डिडेंडम, मॉड्यूल, ठीक है, पिच, सर्कल, डायमीटर, ये सब आपको करना है। उसके बाद गियर टूथ फेलियर, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है कि गियर टूथ फेलियर होते हैं उसके रीज़न क्या क्या है, ठीक है, और हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये है गियर टूथ फेलियर की थियरी, जो कि तीन से चार मार्क्स में एग्जाम में आती ही आती है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ थियरी है डिज़ाइन ऑफ स्पर गियर और बीम स्ट्रेंथ ऑफ स्पर गियर, ठीक है। तो डिज़ाइन ऑफ स्पर गियर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, या तो हम उसको बोल सकते हैं बीम स्ट्रेंथ ऑफ स्पर गियर, जो FB हम बोलते हैं, ठीक है, उसका इक्वेशन भी है सिग्मा BBMY करके, ठीक है। तो इसको आपको पूरा इक्वेशन समझना है, ठीक है, और उसके रिलेटेड यहाँ पे एग्जांपल भी आते हैं, जैसे कि अगर आपने डिज़ाइन ऑफ स्पर गियर कर दिया तो उसके एग्जांपल आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद टर्मिनोलॉजी ऑफ हेलिकल गियर, आप कोई भी गियर करोगे फ्रेंड्स, उसकी टर्मिनोलॉजी तो आपको करनी ही करनी है, तभी वो आप उसको उसके बाद उसकी डिज़ाइन कर पाओगे, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी ऑफ हेलिकल गियर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ ऑन इक्विवेलेंट स्पर गियर,
जैसे स्पर गियर जो होता है ना, वो स्पर गियर कैसे होता है, यहाँ पे जो टीथ होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं। अब हेलिकल गियर जो होता है, सॉरी लाइन जरा आप देख लेना, हेलिकल गियर जो होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे इंक्लिनेशन होता है, ठीक है, हेलिक्स एंगल होता है। अगर अब मैं इसको इस तरह से इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, स्पर गियर की तरह हमें लगेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे है मेन कि वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ ऑन इक्विवेलेंट स्पर गियर, ठीक है। उसके बाद एट जो है डिज़ाइन ऑफ हेलिकल गियर, अगर आपने स्पर गियर की डिज़ाइन कर ली फ्रेंड्स तो हेलिकल गियर की डिज़ाइन कोई बड़ी बात नहीं है, सेम टू सेम होगी, सिर्फ उसमें इंक्लिनेशन है, उतना चेंज है, ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं बीम स्ट्रेंथ ऑफ हेलिकल गियर। उसके बाद है बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ बेवल गियर, जैसे मैंने आपको बताया टर्मिनोलॉजी करनी ही करनी है। देन टाइप्स ऑफ बेवल गियर एंड एग्जाम्पल बेस्ड ऑन टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी जो होगी उसकी, उसके बेस पे एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वॉर्म गियर आया, ये थोड़ा लंबा चैप्टर रहेगा, तो टर्मिनोलॉजी ऑफ वॉर्म एंड वॉर्म गियर ड्राइव, देन उसके एडवांटेज लिमिटेशन एप्लीकेशन भी एग्जाम में आते हैं, देन फोर्स एनालिसिस ऑफ वॉर्म एंड वॉर्म गियर ड्राइव, ये भी एग्जाम में आता है। इसकी जो एग्जाम्पल है वॉर्म एंड वॉर्म गियर के डिज़ाइन के एग्जाम्पल, वो जनरली नहीं आते, लेकिन ये बेसिक थियरीज आती है। एफिशिएंसी ऑफ वॉर्म एंड वॉर्म गियर ड्राइव, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि थर्मल कंसिडरेशन इन वॉर्म गियर ड्राइव बहुत बार आ चुकी है फ्रेंड्स, तो ये आपको करना ही करना है, थर्मल कंसिडरेशन ऑफ वॉर्म एंड वॉर्म गियर ड्राइव, ठीक है। उसके बाद चैप्टर एट जो है डिज़ाइन ऑफ मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म में यहाँ पे सबसे पहले है वाल्व गियर मैकेनिज्म, यानी कि आईसी इंजन में जो वाल्व गियर असेंबली रहती है, ठीक है, जो क्रैंकशाफ्ट से होके जो पूरा ऊपर वाल्व में आता है टाइमिंग चेन से, तो वाल्व में कैमशाफ्ट घूमता है तो उससे जो वाल्व ऑपरेट होते हैं, तो ये पूरी जो है गियर असेंबली है, वाल्व गियर असेंबली, वो आपको देखनी है, उसकी थियरी आती है और उसमें वाल्व की डिज़ाइन भी आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। उसके बाद मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स जो है वायर रोप है तो उसका कंस्ट्रक्शन, क्लासिफिकेशन एंड एडवांटेज ऑफ वायर रोप ड्राइव आपको करना है। देन स्ट्रेसेस इन वायर रोप ड्राइव करना है, ठीक है, वायर रोप ड्राइव में कौन कौन से स्ट्रेसेस लगते हैं। देन प्रोसीजर फॉर डिज़ाइन ऑफ वायर रोप, तो वायर रोप की डिज़ाइन करते वक्त जो प्रोसीजर जो यूज़ करनी है वो, ठीक है, डिज़ाइन की प्रोसीजर। देन डिज़ाइन ऑफ क्रेन हुक, तो ये इंपॉर्टेंट थियरी है पर्टिकुलर ये चैप्टर के लिए, ठीक है, डिज़ाइन ऑफ मैकेनिज्म। उसके बाद जो लास्ट है फ्रेंड्स, सिलेबस थोड़ा लेंदी है लेकिन आपके पास डिज़ाइन डेटा बुक है, ठीक है, तो उससे ये बहुत बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो स्पीड गियर बॉक्स की डिज़ाइन, तो उसमें बेसिकली यहाँ पे ये मेथड्स हैं उसकी, एरिथमेटिक, हार्मोनिक एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन रेशियो, ये गियर बॉक्स के डिज़ाइन की यहाँ पे मेथड है। उसके बाद पैरामीटर्स इन गियर डिज़ाइन ऑफ मल्टी स्पीड गियर बॉक्स, उसके पैरामीटर्स हैं। देन रे डायग्राम एंड स्पीड डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रे डायग्राम एंड स्पीड डायग्राम आपको करना है और उसके बेसिस पे यहाँ पे एग्जाम्पल भी आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो 9 चैप्टर है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट चैप्टर को छोड़ दें, ठीक है, वो समझ लो कि 3 से 4 मार्क्स में अगर पूछा जाता है फर्स्ट चैप्टर, जनरली तो 7 मार्क्स में आएगा ही आएगा, चैप्टर 1 में से 7 मार्क्स में आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो डिज़ाइन ऑफ स्प्रिंग है, सॉरी सेकंड जो है कपलिंग, तो कपलिंग में से भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 मार्क्स का आए, ठीक है। फिर डिज़ाइन ऑफ स्प्रिंग जो है उसमें भी हम 10 मार्क्स कंसिडर कर सकते हैं। देन प्रेशर वेसल है, उसमें भी हम 10 मार्क्स कंसीडर कर सकते हैं या तो 12 मार्क्स कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ प्रेशर वेसल के बाद रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग जो है, स्लाइडिंग एंड रोलिंग, ये दोनों को कंबाइन करके हम अगर 20 यानी कि 10 मार्क्स भी अगर हम गिनते हैं, ठीक है, 20 मार्क्स गिनते हैं रोलिंग एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। देन गियर ड्राइव जो है इसका थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो गियर ड्राइव का चैप्टर 1 है लेकिन मैं इसमें 15 से 17 मार्क्स गिनूँगा, तो 15 मार्क्स में ये पूछा जाता है। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ मैकेनिज्म, तो ये भी कम से कम 12 मार्क्स में आता है, 10 से 12 मार्क्स। एंड स्पीड गियर बॉक्स जो है इसका एग्जांपल भी आ सकता है, तो 10 मार्क्स इसको गिन लेते हैं। तो टोटल मिला के हम बोल सकते हैं कि आप अगर ऊपर कैलकुलेट करोगे तो 100 मार्क्स के अराउंड हो जाएगा, ठीक है, 90 to 100 मार्क्स, ठीक है। तो कुछ तो आपको ऑप्शन में भी निकल जाएगा, ठीक है, तो आपको मतलब कोई ना कोई एक दूसरे के ऑप्शन में निकलता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। तो स्पीड ऑफ गियर बॉक्स जो है, स्पीड गियर बॉक्स जो है, मैं इसको आप बोलूँगा कि ये आप लास्ट में करिए, ठीक है।
तो इस हिसाब से जाओगे ये बहुत इजी हो जाएगा सब्जेक्ट। फिर से आपको बोलता हूँ कि डिज़ाइन डेटा बुक सबसे पहले रेफ़र करना, जो भी आप चैप्टर कर रहे हो उसका डिज़ाइन डेटा बुक में एक बार देख लेना कि कितने कितने उसके इक्वेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आप जाना, ठीक है। बहुत कम इक्वेशंस आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन डेटा बुक में दी हुई है, ठीक है। सो होप फ्रेंड्स आप ये सब्जेक्ट ईजिली क्लियर कर सकेंगे। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।